नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयनंद है और ये मेरा चैनल है डीआर टेक्नोलॉजी, जहाँ मैं टेक के वीडियो बना के हिंदी में अपलोड करता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, हमने कुछ वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड कर रखी है और इन फ्यूचर भी मैं अपलोड करता रहूँगा। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं डीआर टेक्नोलॉजी के लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, जिसका ना देखेंगे कि अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में विंडो 10 के अंदर स्टार्टअप साउंड को कैसे इनेबल करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है। तो यहाँ पे आप सर्च मार के आप कंट्रोल पैनल में जाइएगा और आपका कंट्रोल पैनल इस तरह से आ रहा है, तो आपको साउंड पे क्लिक करना है। तो ये वाला मेनू खुल जाएगा। अगर बाय चांस आपका कंट्रोल पैनल इस तरह से आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके स्मॉल या लार्ज करना है, फिर आपको साउंड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको साउंड के अंदर जाना है और प्ले विंडो स्टार्टअप साउंड, यहाँ पे आपको टिक मार्क करना है, अप्लाई, ओके। तो इस तरह से आप विंडो 10 के अंदर स्टार्टअप साउंड को इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट में पूछिएगा, जिसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी जाते जाते मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।